मेरी एज अभी 21 साल है और मेरा वेट सर अप्रोक्स लगभग 90 kg हो गया था, और अच्छा उससे मैं बहुत परेशान था सर। एक्चुअल में जब जो बच्चे होते तो अंकल कहते थे हमको, मैं बड़ा इरिटेट होता था, लेकिन तब कह भी कह सकते हैं एज ए टीचर। मैं काफी दिन से खोज रहा था कि एक्चुअल में कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लॉस हो सके। मैंने रनिंग भी की, जिम की, जिमनासियम ज्वाइन किया, लेकिन तो एक बार ऐसे ही आपका तो एक्चुअल में यूट्यूब में सर्च कर रहे थे फैट लॉस के लिए, तो उस पे आपका दिखा वीडियो, तो मैंने देखा, कई सारे वीडियो देखे, फिर मैंने ट्राई भी किया 2020 में। लेकिन रीजन क्या था कि मैं एक्चुअली थोड़ा कम किया 5 किलो, फिर क्या होता था कि मतलब लेजीनेस टाइप आ जाता है कि वैसे तो एक्चुअली छूट जाता है, फिर मतलब कम होता है, फिर छूट जाता है, फिर कम होता है, फिर छूट जाता है, तो साल 1.5 साल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन आपके वीडियो में रेगुलर देखता रहा और उसको मोटिवेट होता रहा, फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी है। तो एक्चुअली फिर मैंने क्या किया सर कि एक संकल्प लिया मैंने, और संकल्प के माध्यम से मैंने जो आपकी जर्नी इसको फॉलो की, और संकल्प ये लिया कि मैं डेली मेडिटेशन करूंगा। तो एक्चुअल मॉर्निंग में, और जैसे ही मैं मेडिटेशन करता था, और मेडिटेशन करने के बाद क्या होती है, सहनन शक्ति बढ़ जाती है आपके अंदर, जहां तक जो मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर आपने एक बात बताया अभी तक कि एक्चुअल में सुबह उठते ही गर्म पानी लेना, बॉयल वाटर लेना चाहिए, कोपट पानी। तो इसके बाद सुबह जैसे मैं उठता था तो सबसे पहले 1 से 1.5 गिलास लेता था, अब इस समय लगभग 1.5 लीटर पानी मैं सुबह पी लेता हूँ। ठीक है, इस स्थिति से मैं चलता रहा और इसके मेडिटेशन करता रहा। और इसके बाद जब मैं खाना को खाता था तो एक्चुअली मैं, आपने बताया छोटी छोटी बाइट में, तो मैं क्या करता, छोटे छोटे बाइट में निकाल लेता था, और निकालने के बाद उसको क्या आंख बंद करके फिर जैसे मेडिटेशन करते हैं तो मैं उसको फील करता था कि दांत में किस किस हिस्से में वो घूम रही चीजें। ठीक है, और उसको छोटे 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 बाइट, बिल्कुल छोटे छोटे बाइट में उसको लेकर के तोड़ तोड़ के मैं उसको पेस्ट बना देता था। पेस्ट बना के फिर मतलब जो प्रक्रिया सर आपने फॉलो कराई मैं उसको फॉलो करता रहा। फिर इसके बाद तो एक्चुअल में कान में हेडफोन लगा के मैं आपका वीडियो सुनता था, और इस प्रकार सारी चीजें चलती थी। और आज ये है कि मेरा वेट लगभग 11 किलो 300 ग्राम के आसपास कम हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ सर, और एक्चुअल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। पहले 11 किलो 300 ग्राम आज से 5 दिन पहले तोला था, आज लगभग और हो गया होगा, करीब 12 किलो के आसपास पहुंच गया होगा मैं सोने की। इससे मेरा पेट बहुत सर अब इस समय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिट है, पेट ही नहीं है। तो संकल्प लेने का सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि मॉर्निंग में तो आप एक टारगेट फिट करें, जैसे 4 बजे मुझे मान लीजिए 4 बजे जगना है, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है जगने में, एक दिन प्रयास करिए जगने के। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर मुट्ठी हमने जन्मों जन्मों से बंद कर रखी है तो खुलने में उसको थोड़ा सा समय लगेगा, वो धीरे 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 खुल जाएगी। एक्चुअल में क्या है, हमारी स्थिति क्या है कि हम किसी भी चीज को बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं। और संकल्प की यही प्रवृत्ति है कि अगर उसको आप धीरे 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 धीरे, पहले आप क्या करिए, आप तो एकदम से कोई प्रक्रिया न करिए। आप ऐसा करिए कि सुबह हमको केवल गर्म पानी पीना है, सुबह जगना है, और जग के कोई अपने विशेष कार्य को निपटाना है। ठीक है, तो उससे आपका जो मन अभी आसानी से कर पा रहा है उस चीज के लिए संकल्प लीजिए। इसके बाद धीरे से मन को उसको डिवोट कर दीजिए, जैसे डिवोट होगा उस तरफ, वैसे ही आपके जीवन में आराम से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, लोग देखते रहेंगे और कई सारी चीजें आपके जीवन में बदल जाएंगी। मैंने भी कई सारी चीजें बदली हैं अपने यहाँ, और बड़ा आनंद महसूस होता है। मैं अब जब एक्चुअल से में आपने जब से संकल्प लिया है तब से लेके अभी तक जी कोई सर, चूक चूक नहीं लगी सर, तब से लेके अभी तक नो लक्ष्य सर, नो, कर पा रहे हैं। कोई चूक नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं। मैं बारातों में भी जाता हूँ तो एक्चुअल रीजन क्या होता है, मैं पूरी एक ही लूंगा। ठीक है, और मतलब उसमें क्या होता है, पनीर ज्यादा ले लेता हूँ क्योंकि पनीर मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है सर। ठीक है, एक ही पूरी लूंगा और पनीर, और इसके बाद जहां पे लोग खा रहे होते उसे थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ, एक आराम से चेयर ले लूंगा और वहां बैठ के आसानी, किसी को देखना नहीं, किसी को फॉलो नहीं करना, आसानी से बैठ के आराम से खाता रहता हूँ। ठीक है, और मतलब कोई क्या कर रहा है मुझसे कोई मतलब नहीं, मेरा खाना अच्छे से हो रहा है, ये बेहतर तरीका है। क्योंकि एक वीडियो में सर आपने बताया था कि तो एक्चुअल मुंह में दांत हो सकते हैं और आंतों में दांत नहीं होते हैं, तो उसको मैंने डायरी पे लिख लिया था सर मुझे, और मैंने आपकी कई सारी बातें लिखी हैं। मैं एक्चुअल में जीवन में 3 लोगों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। ठीक है, एक है
तो एक बहुत अच्छे फिलोसफर है, आप शायद जानते होंगे सर, रजनीश ओशो जी। जी जी और इसके बाद दूसरे नंबर पे आप आते हैं, ठीक, स्वीकार सर। और थर्ड नंबर पे आते हैं राजीव दीक्षित जी। मैं तीन लोगों को जीवन बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। और ये जी मान लीजिए कि मैं एक्चुअली दिन भर तो पढ़ाने में रहता हूँ, आज तो वैसे छुट्टी लिए। और जी इसके बाद क्या होता है, शाम को जब मैं आता हूँ तो मैं आपके एक या दो वीडियो पर डे देखता हूँ। मुझे बड़ा आनंद जी आता है, मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है सर। और जो आप समझाते हैं मैं उसको डायरी में नोट कर लेता हूँ, मेरा मानना सबसे ये है, और मैं उसको फॉलो करता हूँ। जरूरी बात जो है कि पहले आप नहीं कर पा रहे थे और अब आपने किया तो अब आपको नहीं छूट रहा। तो इसका आपने बताया, एक जी तो सर, बिल्कुल इसको बिल्कुल संकल्प लेना चाहिए और धीरे धीरे अपनी आदत बनानी चाहिए, और ये नहीं जी कि सर, जी दूसरे को सर, देख के पागल हो जाए कि उसका तो इतना हो गया, उसका इतना हो गया। अपनी नहीं जर्नी नहीं जहां बिल्कुल, खड़े हैं वहां से शुरू करें, धीरे हाँ, धीरे धीरे बहुत करें, धीरे आसानी से शुरू करें, धीरे धीरे। धीरे करें। जी सर, जी। अच्छा, और सर अभी आपने क्या देखा, जैसे आपका इतना वजन कम हो गया, कोई ऐसा कोई हेल्थ बेनिफिट या कुछ ऐसा हुआ जो आपको पहले दिक्कत थी और अब जी ठीक हो गई? जी सर, एक्चुअली मुझे दिक्कत ये होती थी कि पेट में जी दर्द हुआ करता सर मेरे, ठीक जी है। और वो सर एक्चुअल में अभी नहीं होता, मैंने काफी दवाएं भी ली हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेट में दर्द ऐसा होता था कि मतलब साइड में दर्द होता था, साइड में नहीं होता, जहां वैली जी फैट होता है, जी हाँ, इस तरफ दर्द हुआ करता था। लेकिन अभी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली मैं बिल्कुल फिट हूँ। पहले क्या होता था, मैं क्लास पढ़ाने जाता था, कॉलेज स्कूल गया, वहां पे क्या हो, जैसे मतलब 40 मिनट का घंटा होता है, ठीक है, तो एक पीरियड में क्या होता था, मैं 20 मिनट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ, इसके बाद मैं कहता था चेयर ले आओ भाई, मैं बैठ के लिख दूंगा क्वेश्चन। ये स्थिति होती थी। और वो एक्चुअली बच्चे कहते सर आप बहुत लेजी हो रहे हैं, मतलब आपको नॉलेज अच्छा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मतलब स्टैंड होके पढ़ाए, क्योंकि क्वेश्चन भी आधा आप पता था, बोर्ड पूरा नहीं आ पाता, मैं चेयर लेके बैठ जाता, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता था। लेकिन फिर सर आपका एक साथ मिला और जीवन में एक नई तरंग आ गई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर आपसे और आपके कार्य से सर। सर मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो गाँव में क्या होता है कि एक्चुअली चपाती थोड़ी सी बड़ी बनती है यहाँ पे, आपको शायद, तो आप सर शहर का नहीं पता होगा आपको, ठीक है, चपाती थोड़ी सी बड़ी बनती है, मोटी साइज में होती है। तो मैं उस साइज की चपाती, अगर देखें मतलब गैस की रोटी और उसमें क्या एक, तो अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो गैस की रोटी और उसमें चूल्हे की रोटी, हमारे यहाँ चूल्हे का खाना बनता है, गैस है लेकिन हम मतलब हमारे पिताजी को चूल्हे का खाना पसंद है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो रोटी बनती है तो एक रोटी में अगर देखा जाए 2 से 3 रोटियां निकल आएंगी छोटी वाली, तो मैं जो बड़ी रोटी होती थी वो 5 से 6 रोटी खा लेता था। अब आप सर क्वांटिटी उसकी आप मेजर कर सकते मैं कितना ज्यादा खा लेता था। और मुझे बेसिकली दूध पीने की बहुत बहुत अच्छी आदत भी समझते थे, लेकिन ज्यादा फैट बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, तो दूध पीने के मैं एक दिन में 1 लीटर दूध सर पी जाता हूँ। अब तो मैंने बंद कर दिया है और अभी अब अभी बहुत चपाती ही की कम क्या कर दिया। सिचुएशन है सर? चपाती कितनी खा पाते हो अभी? अभी सर आधी खा पाता हूँ, केवल आधी, पूरे दिन में आधी? आधी, 24 आवर में। मैं शाम को मुझे खाने की इच्छा ही नहीं होती सर, एक्चुअल में बता रहा हूँ क्या है आपका मैं अभी शेड्यूल एक क्या बजे है सर? खाना खाया हूँ। शेड्यूल क्या जी मिस सर, क्या शेड्यूल है आपका, कैसे करते हो खाने? सर इस प्रकार है कि मैं सुबह जगता हूँ, और जैसा कि आपने बताया था बॉयल वाटर के लिए, मैं उसको लेता हूँ, और इसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट होती है मेरी। तो सुबह से पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, और इसके बाद 12 बजे तो हमारा लंच होता है, तो उसमें मतलब हमको 40 मिनट मिलते हैं, तो हमारा 40 मिनट पूरा खाने में जाता है। तो उसमें हाफ चपाती होती है मेरी, फुल नहीं होती, सब्जी की क्वांटिटी या दाल की क्वांटिटी अधिक होती है, ठीक है। मैं नहीं, और हाफ आप इसके बाद मैं जानबूझ के उसको, हाफ लेते हो या आपसे हाफ से ज्यादा खाई नहीं जाती है? नहीं सर उससे मैंने ट्राई भी किया है, एक दो बार डेढ़ डेढ़ लेके गया, लेकिन सर हो ही नहीं पा रहा था, उतना ही हो रहा था, मैंने बहुत कोशिश की हो ही नहीं पा रहा था। और एक्चुअल में क्या होता है, 20 मिनट में सिग्नल आ जाता है, मतलब डकार सी आ जाती है कि बस हो गया भाई, अब पेट के अंदर कोई कैपेसिटी है ही नहीं तो जी उस स्थिति में केवल इतना ही स्टोरेज रह जाता है। जी जी दाल और और इसके बाद रोटी। क्या होता है, जैसे तो एक्चुअल में कभी कभी जैसे भूख लग जाती बाई तो एक्चुअल वहां से बाइक से आया, तो इसके बाद कोचिंग निकल गया, तो मैं क्या करता हूँ कि, तो शायद आपको पता हो सर, भुने वाले चने जो होते हैं, जी हाँ, तो उसको मैं तो एक्चुअल मैं जेब में रख लेता हूँ, थोड़े से एक मुट्ठी ले लिया,
तो जैसे कभी कभी भूख लग जाती भाई एक्चुअल, तो मैं तो एक्चुअल मैं एक मुट्ठी चने ले लेता हूँ और फिर उसको धीरे धीरे चबाता रहता हूँ जैसे, और इसके बाद एक मुट्ठी चने भी नहीं खत्म हो पाते हैं, मुश्किल से आधी मुट्ठी खत्म हो पाते हैं, पूरी भूख मिट जाती है। अरे ये एक्चुअल जो चने इंक्लूड किए मैंने, ये बहुत अच्छा रहा वाह। मेरे लिए। चपाती के बाद अगर मैं देखूं तो चना काफी सहायक है मेरे वेट लॉस के वेरी लिए। गुड वेरी गुड। अच्छा, और फिर भूख जी सर, लगती नहीं शाम को? बिल्कुल भूख नहीं लगती आपको? बिल्कुल सर, नहीं लगती। और फिर इसके बाद मैं आता हूँ 8:30 बजे पढ़ा के आता हूँ, क्योंकि सर मैं 4 से 5 होम ट्यूशन भी लेता हूँ, और इसके बाद फिर आता हूँ, फिर मैं अपनी तैयारी करता हूँ। 2 से 2:30 बजे तक मैं पढ़ता हूँ पर्सनल पीसीएस के लिए सर। अरे हाँ, फिर इसके बाद सोता हूँ, और वाह। मेरी जर्नी थोड़ी कठिन है सर। क्या होता है, 2 से 2:30 सोना होता है, 5:30-6 पे उठ जाता हूँ, फिर स्टार्टिंग वही होती, तो 3 से 4 घंटा ही सोने को मिलता है, इससे अधिक नहीं मिल पाता। तो हाँ, घर वाले कंप्लेन नहीं करते इतना कम खाते हो? एक्चुअल में क्या होता है सर, बहुत कंप्लेन, मम्मी तो बहुत डांटती कि इतना मतलब इतना कम क्यों खा रहे हो। मैंने कहा कि मम्मी आपको भी बताएंगे अभी थोड़ा मैं तो एक्चुअल मैं कर लूं फिर आपको भी सिखा दूंगा। मम्मी भी थोड़ी, तो एक्चुअल मम्मी भी थोड़ी सी तो एक्चुअल जी हेल्दी है मेरी तरह, तो बोल रहे हैं कि कहीं कहीं कोई बीमारी बीमारी घर न ले आना। अरे हमने कहा नहीं मम्मी, बीमारी नहीं आएगी, आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ सर, अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें ये पता चला कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आपने पहले एक बार कोशिश की थी तब फेल हो गए, लेकिन अब की बार जब दूसरी बार जी सर, संकल्प लेके कोशिश की तो आप कामयाब हुए, और आपने लगभग 11 किलो अपना वजन कम किया, 11.5 किलो, और अभी जी आगे सर, आपकी जर्नी चल रही है, और भी वजन कम करेंगे जी आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी तो इंसान अभी सर हमको अगर, 60 पे आना हाँ आएंगे सर, पक्का आएंगे। आपकी हाइट कितनी है? है सर। मेरी हाइट 5.5 फीट की है समथिंग। हाँ तो ठीक है जी, आपका अगर आप 62 से 65 पे भी आ जाएंगे, 62 से 65, तो वो हाँ हाँ परफेक्ट सर, रेट है आपके लिए। तो अभिषेक जी, जी बहुत जी जी बहुत अच्छा लगा। कोई भी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, मैं उनको फिर से बता दूं कि अभिषेक जी ने हमारा बताया हुआ 32 बार का फॉर्मूला अपने जीवन में धारण किया। जी 32 बार के फॉर्मूला में जब भी आप खाना खाएं, तो जो कुछ भी खाएं, चाहे रोटी खाएं या चावल खाएं, छोटे छोटे टुकड़े लें और उसको इतना ज्यादा चबाएं कि जब वो पानी बन जाए फिर उसको अंदर जी लेके जाएं, सर, और खाना खाने में जी कम सर, से कम आधा घंटे का समय लें, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पिएं, बिल्कुल सर, और हफ्ते में एक जी दिन बिना सर, नमक का खाना खाएं। अगर कोई भी इंसान ये 5 बातें फॉलो करेगा तो उसका वजन कम होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप भी ये सब बातें जी फॉलो सर, करें, अभिषेक जी से प्रेरणा लें, और इनकी तरह जी बहुत सर, सारे इंटरव्यू हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। खाना खाते वक्त हेडफोन लगा के आप ये वीडियोस जी देखें, सर, आपको प्रेरणा मिलेगी। और अगर आप हमारी मदद जी करना सर, चाहते हैं तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी। मीशो पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं। वहां से जितना भी प्रॉफिट होगा, हम बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना हो, सारा पैसा वहां लगाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, भविष्य में फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी सर, आपको। पैरी जी, अरे नहीं पैरी पैर, पहना सर, अरे नहीं नहीं सर, आप अरे सर, नहीं हमारे, अरे तो सर, मेरे इंस्पिरेशन है सर अरे आप। नहीं सर, आप हमारी तरह ही हैं, हम भी आपकी तरह अरे सर, शिक्षक मैं हैं। जिनको फॉलो करता हूँ मेरे गुरु हैं सर। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है अभिषेक जी, जी थैंक यू सर, सो नमस्ते मच, सर, थैंक यू, नमस्ते जी, जी नमस्ते, सर, ओके जी। नमस्ते सर।